नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा किसान मोर्चा जमशेदपुर द्वारा राज्य के महामहिम राज्यपाल को कमजोर, मानसून के राज्य को सूखा घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुचीराम बावरी ने कहा कि राज्य में मानसून की स्थिति अत्यंत ही खराब है। राज्य भर के किसान कमजोर मानसून के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में राज्य को सूखा घोषित किया जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिससे कि किसानों को राहत मिल सकती है। वहीं इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू किए गए योजनाओं को भी झारखंड राज्य में लागू करने की मांग उठाई है। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिले, उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को किसानों के जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर 12 बिंदु का ज्ञापन सौंपा। इसमें जो वर्षा का अभी स्थिति है उसमें हमारा यही मांग है कि हमारे पूरे झारखंड क्षेत्र किसान लोग अभी बहुत ही मुसीबत में जा रहा है, इसीलिए पूरा क्षेत्र को झारखंड को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया। साथ साथ वर्तमान हालात में किसानों के साथ जो सूखा घोषित करने के उपरांत प्रति एकड़ में किसान लोग को कम से कम 10,000 मुआवजा दिया जाए ताकि किसान खुशहाल रहे। उसके साथ साथ हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में जो योजना चलाया जा रहा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सभी किसान को ससमय मिले एवं उसका लाभ किसानों को मिले। साथ साथ हमारे पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चलाए थे, उनको भी अविलंब चालू किया जाए ताकि किसानों को लाभ मिले। यही बिंदु को लेकर हमारे एक प्रतिनिधि मंडल आज माननीय उपायुक्त महोदय से मिले। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।